हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अगर आप जीएमई कोर्स करना चाहते हैं, जीएमई मतलब ग्रेजुएट इन मेरिन इंजीनियरिंग, अगर आप जीएमई कोर्स करना चाहते हैं और आप स्पॉन्सरशिप एग्जाम का फॉर्म के लिए वेट कर रहे हैं, तो मतलब ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इंडिया का जो सबसे बेस्ट कंपनी है वो कंपनी ने जीएमई के लिए फॉर्म निकाला है फॉर मे 2023 बैच, जिसका लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का 31 मार्च। तो अभी भी फॉर्म अवेलेबल है, आप उसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो मैं आपको इस बारे में पूरा चीज़ बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो बताने से पहले आपको बताऊंगा कि अगर आपको जीएमई स्पॉन्सरशिप का स्टडी मटेरियल चाहिए, प्रीवियस क्वेश्चन, एप्टीट्यूड टेस्ट क्वेश्चन, साइकोमेट्री टेस्ट क्वेश्चन, इंटरव्यू क्वेश्चन, ये सब कुछ चाहिए, तो मेरे डिस्क्रिप्शन सेक्शन आप चेक कर सकते हो। वहाँ पे आपको कुछ लिंक मिलेगा, आपको उस लिंक से आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। देखिए, साइकोमेट्री टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्पेशली इस कंपनी के लिए, बिकॉज इस कंपनी में आपको पहले ऑनलाइन टेस्ट पास करना पड़ेगा प्लस साइकोमेट्री टेस्ट पास करना पड़ेगा, आपको मतलब दोनों ही पास करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप साइकोमेट्री टेस्ट फेल कर जाते फिर आपका फिर कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज आपके पास बिकॉज दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो इस कंपनी का नाम है एंग्लोस्टन, एंग्लोस्टन सबसे बेस्ट कंपनी है इंडिया में, ठीक है। तो इसका फॉर्म अभी अवेलेबल है, इसका लास्ट डेट है 31 मार्च तक, और इनका एलिजिबिलिटी, इनका एज नॉट मोर देन 28 ईयर्स होना चाहिए, आपके पास आपका बीटेक डिग्री होना चाहिए, और आपका बीटेक फाइनल ईयर में 65% मार्क्स होना चाहिए, और आपका क्लास 12 पीसीए में भी मिनिमम 65% मार्क्स होना चाहिए, और आपका क्लास 10 या फिर क्लास 12 में इंग्लिश में मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। और आपका आई साइड 6x12 होगा भी तो चलेगा, ठीक है। और 6x6 तो और भी अच्छा है, बट 6x12 भी मतलब आपके पास अलाउड है, ठीक है। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको इनके वेबसाइट पे मिल जाएगा, मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि सब इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगा, आप इसका वेबसाइट कैसे मतलब इनके फॉर्म को आप कैसे फिल करेंगे। तो अभी पूरा वीडियो जरूर देखिए, आपको बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। सो गाइस, मेरे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जो लिंक दिया हुआ है जीएमई स्पॉन्सरशिप एग्जाम फॉर्म का फॉर एंग्लो ईस्टर्न, आप उस लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे इस पेज पे। देखिए, जीएमई के लिए पेज है, ठीक है। देखिए, जीएमई लिखा हुआ है। अगर आपको अप्लाई करना है तो फिर आपको क्लिक करना पड़ेगा अप्लाई नाउ पे, बट अप्लाई नाउ करने से पहले आपको आपके पास पूरा इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए, ठीक है। देखिए, इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। देखिए, लिखा हुआ है यहाँ पे बीटेक या फिर बी मैकेनिकल और नेवल आर्किटेक्चर मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन आफ्टर अटेंडिंग फोर ईयर कोर्स, आपके पास मिनिमम 65% मार्क्स होना चाहिए क्लास मतलब फाइनल ईयर में, ठीक है। और अगर आप क्लास 12th में भी आपके पास 65% मार्क्स होना चाहिए, और अगर आप लेटरल एंट्री मतलब डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं और फिर आप लेटरल एंट्री से बीटेक किए हैं, उस टाइम पर भी आपके पास 65% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। और इंग्लिश में देखिए लिखा हुआ है 50% मार्क्स इन क्लास 10th और क्लास 12th। एज लिमिट देखिए लिखा हुआ है नॉट मोर देन 28 ईयर्स, मतलब जिस दिन कोर्स स्टार्ट होगा उस दिन तक आपका 28 ईयर से कम होना चाहिए। मैरिटल स्टेटस देखिए अनमैरिड लिखा हुआ होना चाहिए, मतलब अनमैरिड है। फिजिकल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 6x12 होना ही चाहिए, बाकी आप इस यहाँ पे क्लिक करके पूरा देख सकते हैं, ठीक है। और देखिए हाउ टू, सब आप एक बार पढ़ लीजिएगा हाउ टू अप्लाई, पेमेंट का क्या प्रोसेस है, मतलब आप पहले अप्लाई करेंगे फिर यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आएगा फॉर्म का, वो पेमेंट करने के बाद फिर आपके ईमेल पे एक लिंक आएगा, फिर उस लिंक से आपका ऑनलाइन टेस्ट का जो बुक मतलब आपको सेंटर होगा वो चूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है सीट बुकिंग इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये पूरा आप पढ़ लीजिएगा पेमेंट के बाद क्या करना होगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ सिलेबस देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है, 3 घंटे का होगा, पैनल 1 पैनल 2, मतलब फर्स्ट देखिए आपका होगा जनरल एप्टीट्यूड इंग्लिश और मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2 घंटे का, इसमें आपका 100 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, नो नेगेटिव मार्किंग। उसके बाद फिर आपका होगा साइकोमेट्री टेस्ट पैनल 2, और इसका ड्यूरेशन रहेगा 1 घंटा, मतलब दोनों एग्जाम साथ में होगा और आपको दोनों में ही पास करना पड़ेगा, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है। फिर ये पास करने के बाद फिर आपका होगा पैनल इंटरव्यू, अगर आप पैनल इंटरव्यू पास कर पाएंगे तब फिर आपका फिर होगा मेडिकल एग्जामिनेशन एंड आई टेस्ट। उसके बाद फिर आपको प्रोविजनल सिलेक्शन लेटर मिलेगा, मतलब आपको जो स्पॉन्सरशिप एग्जाम लेटर मिलेगा, ठीक है। बाकी आप यहाँ से आप सब कुछ चेक कर सकते हैं, ये देखिए आपको फिर मिलेगा ऑफर लेटर फ्रॉम एंग्लो ईस्टर्न, ठीक है। बाकी अगर आपको एजुकेशनल लोन चाहिए तो मतलब इस कंपनी का जो आप डॉक्यूमेंट्स मिलेगा वो डॉक्यूमेंट्स से आप किसी भी बैंक से एजुकेशनल लोन ले सकते हैं। बाकी फ़ीस क्या होगा देखिए, आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे आपका फ़ीस मिल जाएगा, ठीक है। फॉर बॉयज़ डाउनलोड में क्लिक करेंगे तो आपको फ़ीस मिल जाएगा, फॉर गर्ल्स यहाँ पर डाउनलोड में क्लिक करेंगे तो आपको सिलेबस के लिए देखिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको सिलेबस भी मिल जाएगा। देखिए लिखा हुआ है जीएमई एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस, और जैसे डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपको सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे ये 39 बैच, इसकी ये बैच के लिए अभी फॉर्म ओपन है, और 40 नंबर बैच के लिए अभी फॉर्म ओपन नहीं है। देखिए इसका देखिए ड्यूरेशन है 8 मंथ्स का, इनटेक मतलब इसका रोलर सीट है 40, स्टार्टिंग डेट मतलब कोर्स स्टार्ट डेट 1 मई, और एप्लीकेशन लास्ट डेट 31 मार्च, ठीक है। बाकी आप पूरा यहाँ पे प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन, तो आप पूरा पेज पढ़िएगा उसके बाद ही फिर आप क्लिक नाउ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे अप्लाई करने के लिए। बाकी सेम मतलब सिंपल प्रोसेस, आपके यहाँ पे पूरा आपका फोटो, नाम, एड्रेस, मार्क्स सब कुछ आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए अभी ये पेज आ रहा है, और देखिए आपको यहाँ पे करना पड़ेगा एग्री, ठीक है, एग्री पे क्लिक करेंगे,
हाँ देखिए, अब आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो देखिए आपको ये सब पूरा डालना पड़ेगा, फिर करेंगे सबमिट। फिर देखिए आपके पास देखिए फॉर्म आ गया, देख सकते हैं यहाँ पे। आपको पहले आधार डिटेल्स डालना पड़ेगा, ठीक है, जो स्टार मार्क किया हुआ ये सब पूरा फिल करना पड़ेगा। और जो भी आप इन्फॉर्मेशन डालेंगे अच्छे से डालेंगे, बिकॉज एक बार आप गलत इन्फॉर्मेशन डाल देंगे फिर आप इस पर कुछ भी एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। ये पूरा आप ठीक से पढ़ लीजिएगा, देखिए लिखा हुआ रिक्वायर्ड फील्ड कैन नॉट बी ब्लैंक, ठीक है। उसके बाद ही फिर आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, फिर पेमेंट करने के बाद फिर आपके मेल पे एक लिंक आएगा, फिर उस लिंक के थ्रू आप फिर आपका जो सीट बुकिंग इंस्ट्रक्शन के थ्रू आप मतलब मुताबिक फिर आप आपका सीट बुकिंग कर सकते हैं ऑनलाइन टेस्ट के लिए। ऑनलाइन टेस्ट में आपका वहाँ पे आपका दो टेस्ट होगा, होगा आपका सब्जेक्टिव टेस्ट और सेकेंड होगा आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट। अगर आपको दोनों का स्टडी मटेरियल चाहिए तो यू कैन चेक माय डिस्क्रिप्शन सेक्शन, वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, प्रीवियस क्वेश्चन, इंटरव्यू क्वेश्चन सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है और अगर आपको कुछ हेल्पफुल लगा है इस वीडियो से, तो आपके जो भी दूसरे जीएमएस के लिए वेट कर रहे हैं, मतलब जीएमएस पार्टिसिपेट एग्जाम फॉर्म के लिए, आप उनके साथ वीडियो से हेल्प हो जाए। तो आज वीडियो मैं इधर खत्म करता हूँ, टेक केयर एंड बाय।